परिसर में बढ़ रहे हैं पीलिया के मरीज। रोजाना 5 और 10 की संख्या में पहुंच रहे क्लिनिक। देश में जहां एक और स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से देश को स्वच्छ करने की हवा भरी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गंदगी गंदे पानी की वजह से नागपुर शहर में ही इस अभियान की पोल खुलते नजर आ रही है। नागपुर शहर के मोमिनपुरा में टिमकी में पिछले कई महीनों से पीलिया के मरीज बढ़ने की वजह से क्लिनिकों में भीड़ देखी जा रही है। प्रभाग में कई जगहों पर पीने की पाइपलाइन पुरानी होने की वजह से परिसर के लोग पीलिया की चपेट में आ रहे हैं। प्रभाग के क्लिनिक में रोजाना कभी 5 तो कभी 10 तो कभी 2 मरीज पहुंचने की जानकारी भी सामने आई है। बड़ा प्रभाग और कम जगह में ज्यादा लोगों के रहने की वजह से यहाँ पर गंदगी भी काफी फैली रहती है। कुछ जगहों की पाइपलाइन बदली गई है, लेकिन कई जगहों की पाइपलाइन नहीं बदलने की वजह से पीने के पानी में दूषित पानी मिलने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और उन्हें पीलिया जैसी बीमारी हो रही है। इस पूरे मामले में क्षेत्र के विधायक विकास कुंभारे से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिसाद नहीं मिल पाया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को